यानी फ्रैक्शन को डिवाइड कीजिए, यानी कि भिन्नों को विभाजित कीजिए। अब देखिए पहला एग्जांपल दिया गया 100/20। अब इसको किस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको कई प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास क्या है, दो मेथड हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहला है कि या तो आप, क्योंकि ये अंश होता है हर होता है, हमेशा हर से अंश में भाग दिया जाता है, यानी कि 100/20 से भाग देगा सॉल्व कर लीजिए, या फिर डायरेक्ट काट कर लीजिए बिना भाग दिए, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन। पहला